दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन में बहुत सारे पैसे लॉस कर गए, यानी आप जब भी ड्रीम इलेवन में 49 रुपए इन्वेस्ट करते तो आपका कभी भी ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक नहीं आ पाता है, टॉप 10 भी आप कभी ड्रीम इलेवन में रैंक नहीं ला पाते। तो आज आपका भाई बताने वाला है कि कैसे आप ड्रीम इलेवन में 49 रुपए में टीम लगाकर कैसे आप फर्स्ट रैंक ला सके। जिस तरह से आप मेरा विनिंग प्रूफ देख सकते, मैं वर्ल्ड कप का दूसरा मैच ही जीता हुआ था और मैं यहां पर विनिंग प्रूफ भी आप मेरा देख सके। तो दोस्तों मैं उस दिन क्या ट्रिक को यूज किया था और क्या मैं लोगों को सिखाता हूं और कैसे मैं ड्रीम इलेवन चेंजर बनता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप पता हो जाता है कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप जाएगा, तो आप ड्रीम इलेवन में करोड़ों लोगों को पार करके आप ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। सबसे पहले उस बात को जानना पड़ेगा कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर फ्लॉप जाएगा, कौन सा प्लेयर आज ड्रीम इलेवन में सबसे अच्छा पॉइंट देगा, कौन सबसे आज अच्छा खेलने वाला है। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखना है, ऐसे प्लेयर को अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है जो लगे हाफ पॉइंट देने वाला है, उसी को अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है। और मैं उस दिन इसी ट्रिक को यूज किया था और वही ड्रीम इलेवन में चेंजर बना था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, विकेट कीपर में और बैटर में, ऑलराउंडर में, बॉलर में सिर्फ आपको 11 प्लेयर लेकर चलना है और 11 प्लेयर ऐसे प्लेयर को लेकर जाना है। जैसे कि अभी विकेट कीपर में देखेंगे मैंने पी साल्ट को ले रखा है, लेकिन अगर टी स्टीबिड और के वेरीवन को देखेंगे तो पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसे प्लेयर को लेकर जाना है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है, जब आप टीम को बनाते हैं तो सबसे पहले उनका प्लेयर का रिकॉर्ड देख लेना है कि पिछले मैच में वो बंदा कैसा परफॉर्मेंस किया था, तब उसको अपने टीम में शामिल करना है। तो अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का, तो पहला मैच में इन्होंने जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इन्होंने दिया था 54 पॉइंट, अगर देखेंगे यहां डीएसजी के खिलाफ इन्होंने 39 पॉइंट दे रखा था। तो ऐसे आप हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आज कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस अपने पी साल को अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप देखेंगे टी स्टीबिडी को मैं इनको अपनी टीम में सेलेक्ट करता, क्योंकि अगर इनका पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाया था। और यहां पर आप इनका देख सकते हैं कि पिछले मैच में इन्होंने ड्रीम टीम में शामिल था, 2 मैचों में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन 2 मैचों में इन्होंने 0 और 16 पर आउट हो गया। अब दोस्तों ऐसे प्लेयर को लेकर जाना है। अब चलिए मैं विकेट कीपर में 2 प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया, अब आपको करना क्या, बैटर में जाना है। तो बैटर में आपको ऐसे प्लेयर लेकर जाना है जो पहले बैटिंग करे और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस देकर जाना है। तो चलिए अभी देखेंगे डेविड मिलर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना, तो आपको रेल रिसो को अपनी टीम में सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसलिए इनको अपनी टीम में लेकर जाना है। अब इधर मैं बैटर में कोई प्लेयर नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऑलराउंडर में अभी मेरे पास बहुत खतरनाक बैटर पड़े हुए हैं, क्योंकि बॉलर से और बैटर से दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए आपको ऐसे ऑलराउंडर बॉलर को लेकर जाना है जो आपको बॉलिंग कराए प्लस आपको बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाए। तो चलिए यहां पर मैं मार्को जेसन और उसके बाद एडन मार्कन को अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इधर देखेंगे तो मैंने जे निशम को अपनी टीम में सेलेक्ट किया, क्योंकि तीनों ऑलराउंडर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। और मेरी उस दिन का टीम देख सकते, जब मैं ड्रीम इलेवन में मैं इनको डब्ल्यू जेस को मैंने यहां पर टीम में कैप्टन बना के रखा था और आप देख सकते उस दिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और मेरे सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी गया था। और आप देख सकते, चलिए दोस्तों अब यहां पर देख सकते मैंने 4 ऑलराउंडर को सेलेक्ट कर लिया और चारों ऑलराउंडर आप इनका पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था, क्योंकि आपको पता होगा डब्ल्यू विल्स पिछले मैच में 3 मैचों से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे, इसलिए मैं इनको अपने टीम में लेकर चलूंगा, हर एक टीम में अपने लेकर जाना। इसलिए देख सकते 116 पॉइंट, 121 पॉइंट, उसके बाद 81 पॉइंट इन्होंने दे रखा है। तो चलिए इस बार मैं इन 4 ऑलराउंडर को अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या, बॉलर में जाना है, बॉलर को ऐसे बॉलर को लेना है जो आपको हां लगे मुझे पॉइंट देने वाला है, इसको अपने बॉलर में लेकर जाना है। पिछले मैच में आदिल रशीद कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, लेकिन अगर देखेंगे अस समीरा पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, इसलिए मैं इनको अपने टीम में सेलेक्ट किया। नीचे जाना तो आप देखेंगे डी वरवल, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। अभी मेरे को एक और बॉलर चाहिए जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाएगा। तो नीचे जाना तो ओ बैटरमैन पिछले मैच में ये भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, इसलिए मैं
अगर आप मेरी फाइनल टीम देखेंगे तो मैंने विकेट कीपर में दो प्लेयर को ले रखा है, बैटर में देखेंगे तो मैंने दो बॉलर बैटर को ले रखा है, लेकिन ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने चार ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं और चारों ऑलराउंडर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने, और बॉलर में देखेंगे तो मैंने तीन बॉलर को लेकर जा रहा है। अगर दोस्तों इसमें देखा जाए, अगर आपका प्लेयर भी पॉइंट दे देता है, मान लीजिए आपका सभी प्लेयर पॉइंट दे दिया, अगर आपका कप्तान एंड उप कप्तान पॉइंट नहीं देगा तब तक आप कभी भी ड्रीम इलेवन चेंजर नहीं बन सकते। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन कप्तान एंड उप कप्तान नहीं चलता है, तो आज मैं आपको बता लूंगा कैसे आपके सामने, मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा कैसे आप कप्तान एंड उप कप्तान अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फिलिप साल्ट को, तो इनको 6% लोगों ने कप्तान बना के रखा है, तो आपको ऐसे कप्तान को बना के जाना है जो सबसे कम परसेंटेज लोगों ने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और कम परसेंटेज लोगों ने इनको कैप्टन बना के जा रहा है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, तो अभी आप देखेंगे मार्को जेसन, तो बॉलिंग से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया थे क्योंकि वर्ल्ड कप में इनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गया था। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करके तो बॉलर को देखेंगे, सब लोगों ने 1-1% बना के रखा है, ऐसे बॉलर को बना के जाना है जिसके अंदर पहले बॉलिंग करे और आपको मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करके दिलाए तो आपको विकेट लेकर देगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे मेरे को मैं अपनी टीम में कप्तान बना के जाऊंगा, चाहे तो आप वाइस कैप्टन में ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, जेन इसम और एडम मार्कोना मार्को जेसन्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं जाने वाला हूं तो मैं सी वॉक्स के साथ जाने वाला हूं, क्योंकि पिछले मैच में 3 मैचों से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और एक आप टीम से ग्रैंड लीग नहीं खेलना है, खेलना है तो आपको 4-5 टीम से खेलना है, 100% आप ड्रीम 11 चेंजर बन सकते हैं और मेरी तरह से आप ड्रीम 11 चेंजर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यूनिक टीम चाहिए, यानी आपको ड्रीम 11 में आपका लॉस कवर करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको सबसे यूनिक और सबसे अलग तरीका से टीम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।